जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आज दिनांक 11 सितंबर 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, समान ज्ञान प्रस्तोत्री और यहां पे मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार तरीके से करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को सुप्रभात, जय हिंद। यहाँ पर एक और नई चीज़ की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सबसे पहले जो भी बच्चे यहाँ पर न्यूज एंड क्यूज का पीडीएफ सेंड करेंगे उनका नाम हर एक दिन की सुबह लाइव क्लास में लिया जाएगा। तो यहाँ पर आज की सुबह में 4 बच्चों ने पीडीएफ सेंड किया है, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उन बच्चों का नाम है, क्योंकि ये जो चीज़ होता है तो आप लोगों में एक नया मोटिवेशन करता है कि नहीं, हमारा और भी अच्छा होगा, हमारा परिवार भारतवर्ष क्लासेस और भी अच्छा हो, और भी बेहतर हो। तो इनसे बेहतर बनाने के लिए आप सभी को मिलकर के कार्य करना है बच्चा, क्योंकि एक साथ मुझे बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं और अभी मुझे कंटेंट बनाना है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। हमारा टारगेट रहेगा कि इस बार के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूरा नंबर लाना है, यानी एक भी नंबर नहीं कटने का। इस प्रकार की तैयारी हमारी हो रही है, इस प्रकार की कंटेंट बना रहा हूँ। तो आप सभी पीडीएफ सेंड जरूर कीजिएगा। आज हमारे सामने पीडीएफ सेंड किए हैं शिवम, यहाँ पे शिवम अग्रवाल क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। उसके बाद यहाँ पर कुजरी कोरा, ये क्लास 9th के विद्यार्थी है। अमन कुमार क्लास 9th के विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक और बच्चे सेंड किए लेकिन उनका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे शंकर कोहरा जी हैं, ये 4 बच्चे हैं जो पीडीएफ सेंड किए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह 4 बजे यहाँ पर तक पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे पीडीएफ सेंड करेंगे उनका नाम जरूर लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस के साथ। आज का महत्वपूर्ण दिवस है विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस। आज हर साल संपूर्ण विश्व में 11 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IFRC द्वारा स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं आज का क्विज। देखिए, समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न दे रखा है, बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ, क्या है जी? यह है ताला, ठीक है। दूसरा प्रश्न, स्काई को हिंदी में क्या कहते हैं? तो स्काई को हिंदी में बोलते हैं आसमान, ठीक है, आसमान। आसमान का पर्यायवाची होता है आकाश, अंबर। दो और दो को जोड़ने पर कितना होगा? बड़ा ही आसान है, 2 + 2 = 4 होगा। कई बार यहाँ पे मजाक मजाक में क्या बोलते हैं, 2 + 2 कितना होगा? तो 2 × 2 = 22 भी होगा, 2 × 2 = 4 होगा। तो 2 + 2 यहाँ पे जोड़ने से होगा, 2 साथ में लिखेंगे तब 22 होगा। लाल रंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाल को अंग्रेजी में कहते हैं रेड। कितने बच्चों को रंगों का नाम पता है बताइए? तो रंगों के नाम आप सभी को याद कर लेने हैं। अगला दे रखा है, आसमान का रंग कैसा होता है? तो आसमान का रंग नीला होता है, नीला को बोलते हैं यहाँ पर ब्लू, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है उच्च प्राथमिक स्तर का है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को ये प्रश्न पूछे जाएंगे। दे रखा है, पहला, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चलिए इस प्रश्न के साथ हम इस प्रश्न से जुड़े सभी प्रश्न कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगणमन, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, ठीक है। और यहाँ पर इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो याद रखेंगे, सफ़ेद को शांति का प्रतीक माना जाता है, लाल को खतरे का प्रतीक माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में है। कई बार प्रश्न आता है कि ताजमहल किसने बनवाया था, हो सकता है कल ही प्रश्न आ जाए, तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? तो अपनी पत्नी के याद में, मुमताज महल के याद में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो याद रखिएगा, यह 18 दिनों तक चला था। यह युद्ध किन दोनों के बीच था? तो यह कौरव और पांडव के बीच था, जिसमें कौरव के 5 यहाँ पर भाई थे और पांडव के 100 पुत्र थे, लेकिन यहाँ पर जीत हुई थी पांडव की, क्योंकि पांडव के साथ कौन थे? श्री कृष्ण जी थे, स्वयं नर नारायण थे। यहाँ पे दे रखा है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न कहता है, भारत की राजधानी दिल्ली
से पहले कहाँ थी? तो यह कोलकाता में थी। दिल्ली को राजधानी कब बना दिया गया? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया है। IPL की शुरुआत कब हुई थी? इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। आपको बताना है कि 2024 का IPL विजेता कौन है? KKR है शायद ना, कोलकाता नाइट राइडर्स, बताइएगा सही हूँ मैं। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यह ओसाका, ओसाका को नाम से जाना जाता है, जापान का ओसाका बोला जाता है इसे। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो यह अकबर ने चलाया था। चलिए अब हम करते हैं आज के यहाँ पर समाचार। सबसे पहले दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अल्जीरिया में हाल ही में हुए नए राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति अब्देल मदजीज तेबिबोन ने 97.7% वोट लाकर फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखिए यहाँ पे इनका नाम थोड़ा सा टेढ़ा में है, पढ़ने में थोड़ा लग सकता है, पढ़िए तो इसको एक बार, अब्देल मदजीद तेबिबोने, हम लोग तो रहेगा तो हम लोग को दूसरे तरह से बोल देंगे, ठीक है। चलिए अगला दे रखा है राष्ट्रीय है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में गुजरात के सूरत को शीर्ष स्थान मिला, वहीं मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर को दूसरा एवं उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरा स्थान मिला है। राज्य की खबर है, रांची की मेरी टेस्ला को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य स्तर पर पैनल सदस्य के रूप में नामांकित किया है। खेल जगत का समाचार है, जूनियर गोल्फ टूर्नामेंट में अंशुल मिश्रा 9वें स्थान पर रहे, जबकि भारत के जरा आनंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी का है कि हॉस्पिटल सी सर्कल जो कि कोरल रीफ परवाल सेल मालाओं के बीच रहता है, सर्वाहारी है, करीब 80 किलोग्राम जितना भारी तथा सागर जल के अंधकार में टॉर्च जैसा चमकता है। यह सुंदर जलचर बाज जैसा त्रिकोणी मुंह वाला है, इसलिए यह हॉक्सबिल टी सी टर्टल कहलाता है। शिक्षा का यह समाचार था। चलिए आज का दे रखा है वर्ड ऑफ द डे, मेजर यानी कंजूस होता है। सेंटेंस ऑफ द डे है, ए मेजर हैड टू स्पेंड मनी, यानी कि जो कंजूस होता है उसको धन खर्च करने में क्या होता है, उसको नफरत होता है। आज का प्रेरक प्रसंग है तीन मछलियां, बहुत ही अच्छी कहानी है, पढ़ते हैं। एक तालाब में तीन मछलियां रहती थी, वे हमेशा इसी तालाब में रहती थी। ये मछलियां बहुत अच्छी दोस्त थी। पहली मछली चतुर थी, दूसरी उतना होशियार नहीं था, लेकिन वह जानता था कि होशियार नहीं है और पहली मछली की बात मानेगा। इसके विपरीत पिछली मछली थोड़ी जिद्दी थी और बदलाव पसंद नहीं करती थी। ये तीनों मछलियां आमतौर पर तालाब के एक कोने में जाती थी और वहां रोज खेलती थी। एक दिन पहली मछली को तालाब के किनारे एक मछुआरे ने देखा जहां वे आमतौर पर खेलते थे। चूंकि वह बहुत होशियार था इसलिए उसे पता नहीं था कि इस दिन उस तरफ जाना नहीं चाहिए। यही बात उसे अपने दोस्तों से भी कही। दूसरी मछली हमेशा की तरह पहली मछली से सहमत हो गई। तीसरी मछली जिद्दी थी, उसे बदलाव पसंद नहीं था और वह साबित करना चाहती थी कि वह पहली मछली से ज़्यादा चालाक है। उसने अन्य दो से कहा कि वह तालाब के सामान्य किनारे पर जा रहा है। अन्य दो मछलियां उसे रोकने का कोशिश की करने के बावजूद वह जाल में फंस गया। परिवर्तन को अपनाना आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। वो बोलते हैं ना, परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि आप बदलते हो समय के साथ तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपने अपने पिताजी के समय देखा होगा, एक फ़ोन चलता था नोकिया, है ना, नोकिया हर एक घर में रहता था। यह एक कीपैड का फ़ोन रहता था, हर एक घर में नोकिया पाया जाता था। किसी घर में जाओगे, फ़ोन है जी, हाँ है, कौन सा फ़ोन है, नोकिया का फ़ोन है, सबसे मजबूत, बात करने में भी एकदम बहुत ही शानदार। लेकिन इन्होंने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया, इसने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया, जो कीपैड था उसी को बनाता गया। और आज के दौर में नोकिया तो किसी के घर में भी नहीं पाया जाता है, शायद ही किसी के घर में पाया जाएगा। तो समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वर्तमान समय के साथ नहीं बदलोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो ये था शानदार सा आज का न्यूज एंड क्विज। धन्यवाद।